بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن जी जी मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब है, स्पेशली दुआ के बारे में। अल्लाह खैर करेगा बेटा, मेरी कोई खास दुआ है? किसने तुझे इधर भेज दिया? तेरा दिमाग काम करता है? उसकी अम्मी बीमार है। जब तू रात को 3 बजे रोते हुए फोन करता है कि अम्मी ना जल्दी ना गाल करो, अम्मी तबीयत बहुत खराब है, उदू हंसता क्यों नहीं? हर गल तो हंसी चाहिए, किसी का दिल दुख जाता है। बेटा किसने भेजा इधर? मेरी नंद बुशरा, वो आपसे दुआएं करवाते हैं, उन्होंने मुझे रेफर किया कि वो लाइव आए, मैं फटाफट उनके पास जाऊं। नहीं बेटा, मैंने दुआ भी करा दी है, दुआ खुद ही करनी होती है, अपनी अम्मी को भी दुआ यही करानी है, और आपने भी उनके सूरह रहमान सुनवाएं और दुआ करके तो पानी पिए 3 बार अल्लाह और पानी, ठीक है? सूरह रहमान कारी बासत मिस्री की आवाज़ में जो बग़ैर तर्जमे वाली है जी, वो उसको जो उसने कहा बस वो करना है। मैं कोई सूरह रहमान का ठेकेदार हूँ? सूरह रहमान अल्लाह की है, शिफा अल्लाह ने देनी है, मैंने एक तरीका बता दिया, ठीक है? वो करना है आपने, हमने शुरू कर दिया, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है? और कौन ने? मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूँ ना, मैं इतने चढ़ के बह जाना तो आधे से लाख ज़्यादा लोग खड़े हैं, खड़े होने की जगह नहीं है, काकी हैं, मैं इसलिए एम्बेरस होता हूँ कि यार क्या मैंने। खैर, जो नए लोग हैं वो बाद में गिला ना करें। अच्छा जी, आप उनके साथ हैं, अनिला जी के साथ? क्या काम करते हैं? अच्छा, इधर ही हैं। अच्छा, रावलपिंडी में हैं। और आप लोग इनके साथ आए हैं, ये जो हैं खुशनूद के साथ, ठीक। दुआ करवाते रहें खुद आगे लोगों को, चाहे किसी एक को करा दें, लाजमी नहीं मजमे को कराएं, मजमे की तो करना भी नहीं है, ये तो मेरी मजबूरी बन गई है, लेकिन मेरी कोताही या गलती है। किसी को बीमार देखें, परेशान देखें, दुखी देखें, जिस तरह खुशनूद ने अगर आपको करा दी थी या जिसने भी कराई थी, उस तरह आप उसको बता दें। जो कोई किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है ना, ज़बरदस्ती किसी से करने की, लेकिन जो कोई आपके आगे अपना दुखड़ा रोए, परेशानी हो उसकी, उसको ये तरीकाकार समझा दें, उसे कहें कि ये दुआ है छोटी सी, मैं तो इससे अपना तजर्बा बोलें, क्योंकि जब आप अपना तजर्बा बोलेंगे वो हक और सच है। वो अगर आप उसे कहेंगे कि मैं इस मुसीबत में फंसा हुआ था या फंसी हुई थी, या ये बीमारी थी, या ये बदबख्ती थी, या नौसत थी, या जिन था, या पीला था, नीला था, काला था, जो भी था, तो आप ये कर लें, उसे प्यार से 2 मिनट दे दें, जो भी उसका मसला हो मसला सुन लें थोड़ी देर। अगर कई लोगों की तसल्ली इसमें होती है कि वो आप वो कहते पहले मेरी पूरी बात सुने, सुन लें, बताना आपने यही है, 3 बार अल्लाह और पानी और सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की, यही बताना होता है। फालज वालों को कसीदा बुरदा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में, सुबह दोपहर शाम 7 दिन वो भी, नहीं तो बाकी सबको सूरह रहमान ही बतानी है, ठीक। आप किन के साथ हैं? काड़ा से आप उस दिन जो मेरे साथ पास आए थे क्लिनिक पे, आप तो उनके साथ ही थे। चलें, इधर भी वही दुआ कराई है मैंने अभी जो कराई है, या उधर क्लिनिक पे और दुआ थी, इधर और थी? नहीं, वो तो मुझे पता है कि आपने कहा था हमने आना, मैं कहा जी ठीक है फिर आ जाए, मैं आपको क्या, मुझे शर्म आना शुरू हो गई, मैंने तो बहुत कहा था कि कोई ना आए। खैर, आप तो उन बेटी के साथ हैं जी, आपने अभी दुआ की है, तो आपको इस दुआ में क्या महसूस हुआ, अपना तजर्बा वो बोलें, क्या मिला इस दुआ में या क्या समझ आई है ये इस दुआ के दौरान? दुआ खुद ही करनी है जी, चले मैंने फिर दोबारा करवा दी, यही दुआ करनी है, 7 दिन सूरह रहमान आज से फिर सुनना, और किसी किस्म का दम दरूद ना करना, और 3 बार अल्लाह कह के पानी बाद में पीते रहो, अपनी हर चीज़ बंद करो। पहले आपने कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और इबादत हमने अल्लाह के लिए करनी होती है ना, हम दुनिया के लिए शुरू हो जाते हैं, हमें दुनिया चाहिए, अपना कोई मकासद होते हैं। वो तो बीमारी की शक्ल है ना जी, वो जिस चीज़ से जब पहली बार बात हुई होगी ना, मेरे से या इनमें से किसी से भी हुई थी अगर, जो जिन लोगों के वीडियो के एंड पे नंबर होते हैं, ये सारे डॉक्टर्स ही हैं वो बता रहे होते हैं, जिससे भी बात हुई थी ना, उसने जिन चीज़ों से मना किया होता है ना, जब उन चीज़ों से मना नहीं रहते फिर वही करते हैं, तो ये अगली शक्ल की तब होती है। उसने मना किया होगा कि इसके ऊपर खुद कुछ नहीं पढ़ना पढ़ाना, अपनी तस्बीहां वजीफे कुछ नहीं हो,
वो करने के बाद ही ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब मैं उसको खोल खोल के नहीं बता सकता, पहले ही बताता रहूँगा, अब नहीं। मैंने जिसने करना करना, नहीं करना ना करे, तजर्बा करके खुद फंस के देख ले। आप किन के साथ हैं साईं? हाँ जी, बैठ के ही बता दें किन के साथ हैं। आप लोग तो पहले हो के गए हुए हैं, नेक लोग हैं माशाल्लाह, आपके माथे पे जो इतना मेहराब है। 1,00,000 बार भी इधर आएंगे, मेरा सबक मेरी बात वही रहनी है। मुझे ये पता है कि जो मैंने इसको बताया है, अगर ये उस पर 100% खड़ी हो जाए, दिल से उसको मान ले, तो ये सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं तो हर बंदे की अल्लाह के साथ अपनी तड़प और फड़क है, उसकी अपनी इबादतें हैं, रियाजतें हैं, ताल्लुक है, अच्छी बात है। उसमें अब फिर वो अल्लाह के करीब जा रहा है या जो भी, वो मेरे से भी ज़्यादा जानता है या मेरे से आगे जा रहा है। मैंने कहा 2 नफल पढ़ने हैं, वो 100 पढ़ रहा है, मैं कौन होता हूँ, ठीक है। तो आगे से जो पेमेंट आई है, उसको उठाना भी उसने ही है, मैंने तो नहीं उठाना, ठीक है। मैं बता चुका हूँ, नहीं तो साइकी के मरीज़ बने होते हैं सारे के सारे। शरीयत के जितने लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए, माथे पे आपके मेहराब है, बुरके में बैठी हुई है। तो मैं तो दाढ़ी मेरे मुंह पे नज़र आ रही है, मुझे क्या पता होगा, कोई आलम दीन हूँ मैं तो एक डॉक्टर हूँ, एक तरीका इलाज बता रहा हूँ, ठीक है। चीनी हलाल है या हराम है बताएं मुझे? हलाल है। तो अब अगर एक बंदे को मैं कहूँ कि तुम पे आज से हराम है, तो ये तो बिद्दत नहीं हो गई? मैं अपनी तरफ से नया हराम हलाल बना सकता हूँ? नहीं बना सकता ना, लेकिन मुझे अल्लाह ने इजाज़त दी है, मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं उसको कह सकता हूँ कि तुझे शुगर हो गई है, अब तेरे लिए ये जहर है, तूने नहीं खानी, ठीक है। दिल का मरीज़ जो है, पहले फुटबॉल खेलता था, उसे हार्ट अटैक हो गया, मैंने उसे कहा तुमने नहीं खेलना या सिगरेट नहीं पीनी या फलां काम नहीं करना, ऐसे ही है ना। आगे उसकी मर्ज़ी है, वो कई लोग जाके चीनी घर में खाते हैं, पूरी बेकरी उन्होंने ख़त्म करनी होती है सारे दिन में, वो अलहदा बात है कि बाद में फिर गुर्दे उड़े होते हैं, फालज हुआ होता है, उसकी मर्ज़ी है। डॉक्टर के जुम्मे तो बताना है, मनाना नहीं है, मैंने बता दिया। आपके साथ जो साहब बैठे हैं, इनसे मेरी बात करना। नहीं नहीं, वो पीछे हैं। आप किन के साथ हैं वैसे? आप अपना नाम ज़रूर बता रहे थे जी, किन के साथ हैं आप? आपके बेटा और आप, दो लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? लाहौर से जी। फरमाएँ, हुक्म करें, किस लिए आए हैं? दुआ मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करता हूँ, मुझे तो खुद दुआ की बहुत ज़रूरत है। चले, आपकी मेहरबानी, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। रास्ता सीधा तो वो 1400 साल पहले बता गए हैं, चलना हमने है कि तुहाडा कहने का मतलब है कि रस्ते च स्पीड ब्रेकर ना हो, टोए ना हो, तलवारा ना हो, शोबे अभी तालबा ना हो, हिजरत ना हो, बदर ना हो, खंदक ना हो, बस सीधी गजवा खै, बस सीधी फतेह खैबर हो, दरवाजा तोड़ो तुसी ते माल लुटो सारा, है ना, ते अली बन जाओ, वो अली बन जाओ, आसान सी बात है, बस पे अली पैदा कर। अगर आज भी खैबर फतेह करना है, एक हाथ से दरवाज़ा उखाड़ दे जो 100 बंदा नहीं खोल सकता, तो वस्फ़े अली पैदा कर, आसानियाँ पैदा। देख नहीं वैसे वली अली जाते कितने तक ने, औलाद नू भी अगे जाना पै गया, वो तो नजफ तक गए ने, कूफा तक गए ने, तो औलाद जी है कूफा तो अगे करबला तक गई हो। देख नहीं सीधा रास्ता तो है ही भाई, फतेह मक्का आती है, रूम भी फतेह होंगे ने, ईरान भी फतेह होंगे ने, नोट भी आते ने, वोट भी आते ने, शहजादियाँ भी आदि ने, पर अखीर आंदी करबला है जी। जो तो अंदर एक तलब है कि कदम साबित हो, फिर रहेगी साबित कदमी, उन्हें देनी है, ये तो उसने देनी है, तलब की बात है ना। तो आपको झटका जो लगा, आपको पता है कि दुआ तो हो गई है, ठीक है। मेरे तो बड़े गुरु हो, ठीक है, बैठे झटके मारते पे हो, तो मैनू तो नहीं पता इन्होंने गलों का। علم القرآن خلق الإنسان